जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आपको राग बसंत के बारे में बताने जा रहा हूं। ये पूर्वी थाट से उत्पन्न राग है। इसकी स्वर और जाति जो है, इसमें दोनों मध्यम तथा ऋषभ और धैवत कॉमन प्रयोग किए जाते हैं। रोम में रे और पा यानी कि ऋषभ और पंचम वर्जित हैं, और अवरोह में सातों सुरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति औड़व संपूर्ण है, यानी कि पांच स्वर और सात स्वर। औड़व पांच और संपूर्ण सात स्वर कहते हैं। वादी संवादी तार षड्ज और संवादी पंचम, अंग उत्तरांग प्रधान राग है। न्यास के स्वर गंधार पंचम और तार षड्ज है। तो रो ये राग उत्तरांग प्रधान राग है। इसकी बढ़त मध्य तार सप्तक में होती है। इसमें तार षड्ज खूब चमकता है। इन स्वरों से राग पहचाना जाता है। रो में भी स्वर सिंधु के अतिरिक्त और कहीं शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं होता। इसके दो प्रकार प्रसिद्ध हैं, एक में दोनों मध्यम तथा शुद्ध धैवत देने का व साथ ही पंचम वर्जित करने का प्रचार है। दूसरे में ये राग संपूर्ण माना जाता है। इसमें वादी स्वर तार षड्ज परंतु ठीक है, इसका हम विस्तार करेंगे राग का। राग बसंत